दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल एडी रूट्स को, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का पता लग तो जाए। दोस्तों चाइना में हो चुका है हॉनर 9X प्रो लॉन्च 23 तारीख को, जो कि है आज। पर दोस्तों 23 तारीख से पहले ही इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो हो चुकी थी लीक, और कुछ इसके ऑफिशियल स्पेक्स भी हो चुके थे लीक। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके क्या क्या स्पेक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात जो इस फ़ोन की है कि ये आता है किरिन 810 प्रोसेसर के ऊपर, और आपको इसमें ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अब बात करते हैं इसके कैमरा के ऊपर, जो कि आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और ये सब आपको देखने को मिल जाएगा 18,000 रुपये की रेंज में, जो कि चाइना में ये लॉन्च हुआ है 17,999 युआन पर, जो कि इंडिया की करेंसी में 18,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसकी मैं थोड़ी और स्पेक्स की बात करूं, तो ये आता है आपको ग्लास बॉडी डिज़ाइन के ऊपर, जैसा कि आपको हॉनर 20 व्यू में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसकी डिस्प्ले आती है फुल व्यू 5.59 इंच की, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिस्प्ले आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में दोस्तों। अगर मैं आपको इसकी कैमरा की फुल डिटेल्स बताऊँ, तो आपको इसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का, और इसके साथ वाइड एंगल सेंसर 8 मेगापिक्सल का, और डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ इसकी गेम परफॉर्मेंस की, तो आप जानते ही है कि इसमें किरिन 810 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि रेडमी के 730 प्रोसेसर से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। तो आपको इसमें गेम खेलने में कोई भी इशू देखने को नहीं आएगा, और आपकी गेम बिल्कुल भी लैग और हैंग इसमें नहीं होने वाली। आप इसमें पबजी और फोर्टनाइट HDR विद XG में भी खेल पाओगे, क्योंकि ये प्रोसेसर इतना दमदार है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर मैं इसकी आगे की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन में आपको 4000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और आपको इसमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा आपका फास्ट चार्जर, जो कि 18 वॉट या 22 वॉट का देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको बाहर से भी चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों इसके साथ। जैसे कि मैंने आपको इसके सारे स्पेक्स बता दिए, तो आपको क्या लगता है कि ये रेडमी के K20 को टक्कर दे पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसकी प्राइस रेंज में रेडमी K20 ही है। तो मेरे ख्याल से तो ये रेडमी K20 को बिल्कुल ही टक्कर देने के लायक हॉनर ने बनाया हुआ है इसे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये रेडमी के K20 को टक्कर दे रहा है या नहीं, और 18,000 रुपये की रेंज में कोई इस फ़ोन को टक्कर देने के लिए और फ़ोन है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।